हम लोग आज ड्रॉ करने वाले हैं साउथ के एक एक्टर को जिनका नाम है विक्रम। लेफ्ट साइड में जो हमें फोटो दिख रहा है हमें उसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का रेशियो परफेक्ट रखने के लिए हम लोग समय समय पर नापते भी रहेंगे पेंसिल की मदद से, ताकि हमें एक परफेक्ट सर्कल मिल सके। हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो दाढ़ी के पास से क्रॉस करेगा। तो हम इसके लिए पेंसिल की मदद से रेफरेंस इमेज को नापते हुए एक लाइन खींच लेंगे नीचे। उसके बाद हम लोग लिप के पास भी एक लाइन खींचेंगे। इसी तरह से हमें कोशिश करना है कि रेफरेंस इमेज और जो हम इमेज बना रहे हैं उसका सेम साइज़ हम खोल के रखें, मतलब कि रेफरेंस इमेज का साइज़ और हमारे ड्राइंग का साइज़ दोनों सेम रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि इससे हमें बनाने में आसानी हो और मेज़रमेंट लेते वक्त भी हमें आसानी हो। अभी हमें जितने लाइंस वगैरह दिख रहे हैं हम लोग सारे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो आँख के पास जो डिप्रेशन दिख रहा है हम लोग इसे रेफरेंस लाइंस जो हम लोग दिए हुए हैं उसके रेफरेंस लेते हुए हम लोग डिप्रेशन क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने फेस पे जितना भी लाइन ड्रॉ किया है बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लाइन फेस का जो परफेक्ट शेप है उसको ड्रॉ करना है। जहाँ ज़्यादा है मतलब ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन है हम लोग वहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट करते हुए चलेंगे, या फिर जहाँ ज़्यादा बाहर की ओर उभरा हुआ है हम लोग उसे उभारते हुए चलेंगे। अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके शेप देना शुरू करेंगे। हमें जो भी शेप सबसे ज़्यादा आसान लगे या फिर जो सबसे ज़्यादा लाइन के करीब हो हम लोग पहले उसी को ड्रॉ करेंगे, ताकि गलती होने का चांस कम हो। जहाँ पे आपको लगे कि ये गलत शेप बन रहा है तो आप उसे इरेज करके वहीं पे छोड़ दें, और जो आपको आसान लगे पहले उसी को बनाएं। आप चाहें तो पहले एक आँख बना के फिर कान बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आँख बना रहे तो फिर दूसरा आँख बनाना। आपको जो सही लगे सबसे पहले जो आसान लगे पहले वही बनाना है, और जो परफेक्ट रेशियो में आपको दिख रहा हो कि ये मैं परफेक्ट रेशियो में बना सकता हूँ तो सबसे पहले हमें वही बनाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ऐसा नहीं, जो हमें आसान लगे सबसे पहले हम लोग वही बनाएंगे। और हाँ, मैंने इसके लिए मैकेनिकल इरेजर यूज किया हुआ है, जो कि एक टोम्बो मेनो जीरो इरेजर है और एक नॉर्मल मैकेनिकल इरेजर है। और मैंने इसके लिए ब्लेंड अप्सरा का पेंसिल यूज किया हुआ है। पेंसिल को साफ करते हुए ध्यान ये रखना है कि आगे वाला एज जो है वो थोड़ा लंबा करके साफ करें, ताकि हम लोग जब पेंसिल को नीचे करके यूज करें पेज में टच ना हो। आप लोग फेस पे जितने चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रखना है कि हम लोग जो स्टार्टिंग में रेफरेंस जो ओरिजिनल हमारा लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को सारा लाइन ड्रॉ करना। ऐसा नहीं कि जो या फिर जो आपको लगे कि जो लाइन सबसे परफेक्ट है हम लोग उसी को रेफरेंस में लेते हुए ड्रॉ करेंगे, इससे होता है क्या गलती होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। जहाँ जहाँ लगे कि हमसे गलती हो चुकी है तो हम लोग उसे इरेज करते हुए यूज करते हुए चलेंगे। कभी कभी आपको बनाते हुए ऐसा लगेगा कि जैसे वो गलत होते हुए जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस हम लोगों को पेशेंस रखते हुए बनाना है और लास्ट तक बनाना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। आउटलाइन जो हम लोग बना रहे हैं तो कभी कभार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि ये इल्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है। ऐसा लगेगा जैसे 100% ये मैच करना शुरू हो गया या करने लगा है, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग इसको बनाते वक्त ब्रेक लेंगे और हम लोग ये बार बार देखेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। हम लोग थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हुए इसे बनाएंगे। अगर आपको एक अच्छा स्केच बनाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना इंतज़ार करके और आराम से बनाएंगे उतना अच्छा स्केच आपका बनेगा। पेशेंस यहाँ मैटर करता है, जितना पेशेंस होगा उतना अच्छा स्केच मिलेगा आपको। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल वर्क करना शुरू करेंगे, ताकि ये थोड़ा ओरिजिनल दिखना शुरू हो जाए, मतलब कि परफेक्ट दिखना शुरू हो जाए, और जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं हम लोग उसे इरेज करते हुए चलेंगे। Mm-hmm.
धीरे धीरे हम लोग शेडिंग करते हुए भी चलते जाएंगे ताकि हमें लगने लगे कि थोड़ा शेप परफेक्ट आ रहा है। हम लोग अभी आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जितना लाइट शेडिंग कर सकते हैं हम लोग उतना करेंगे। ज़्यादा डार्क करके हम लोग को कुछ भी यूज नहीं करना है। अब ये रेफरेंस की तरह दिखना शुरू हो गया तो हम लोग धीरे धीरे हल्का हल्का डिटेल वर्क करना शुरू करेंगे लाइट शेडिंग के साथ। और जहाँ पे पूरा डार्क है तो वहाँ पर पूरा डार्क भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा लाइट ही रखेंगे। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पेंसिल यूज किया था तो डार्कनेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और हम लोग ये मुस्टेच वगैरह ड्रॉ करते हुए ध्यान रखेंगे कि इसका डायरेक्शन किस ओर, हर एक हेयर का डायरेक्शन हम लोग परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि ये रियल लगे। कुछ हेयर्स का भी हम लोग परफेक्ट डायरेक्शन दिखाते हुए काम चला सकते हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके अच्छे से डायरेक्शन दिखें। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज किया हुआ है। आप चाहे तो टिशू का भी यूज कर सकते हैं या कॉटन का यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे हाईलाइट पोर्शन है वहाँ पे हम लोग इरेज करते हुए चलेंगे। आप चाहे तो उंगली से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, पर उससे गंदा लगने का चांस ज़्यादा होता है हाथ में। जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा था तो ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार में ही पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लिया था। मैंने इसे 3-4 दिन में बनाया था ताकि मुझे इल्यूज़न ना हो। ये इल्यूज़न मैटर करता है। जब आप बनाना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये पूरा परफेक्ट मैच कर रहा है, बट अगर दूसरे लोग देख रहे हैं तो ये मैच नहीं करेगा, मतलब उन्हें लगेगा कि ये मैच नहीं कर रहा है। तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ और आराम से बनाना है ताकि ये परफेक्ट मैच करें। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।